हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्नोट इंजन के बारे में, रेफ्रिजरेटर के बारे में, देन हम लोग मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करेंगे, उसके बाद हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की क्या क्राइटेरिया होती है उसको देखेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जा करके प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगें तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो का नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा मेरे, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी तक पढ़ लिया है। तो उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या लिमिटेशन है कि वो कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, बट वो ये नहीं कहता है कि हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू वर्क। तो इसलिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ा। तो इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, वो हम देखते हैं पहले। कि ये हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ इनर्जी ट्रांसफ़र, कि इनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, मतलब हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, और ये किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, देन ये एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, और सेकेंड लॉ ये भी बताता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो इसने ये भी बताया कि वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इंटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इंटू वर्क। क्लियर है? तो कभी कभी क्या होता है कि नेट या फिर गेट वाले एग्जाम में 1 मार्क्स का जब क्वेश्चन गेट का है या फिर 2 मार्क्स का स्टेटमेंट टाइप का जब क्वेश्चन आता है, तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है इंट्रॉपी का, वो होता है डीएस इज इक्वल टू dQ/T। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब आते हैं हम लोग कॉर्नोट थ्योरम पे या कॉर्नोट इंजन पे। इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें हैं। देखिए, एक सोर्स होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे होगा, तो इसका टेम्परेचर लेट सपोज हमने TH मान लिया यहाँ पे। ठीक है, ये QH अमाउंट हीट ट्रांसफ़र करता है सिस्टम को। ठीक है, ये सिस्टम है, हाँ, इसको हीट ट्रांसफ़र करता है। देन ये सिस्टम कुछ वर्क करता है W सपोज, ठीक है, और रेस्ट जो हीट बच जाता है उसको सिंक को ट्रांसफ़र करता है, और ये सिंक हमेशा सोर्स के टेम्परेचर से कम होगा तभी ये हीट इसको ट्रांसफ़र होगी। क्लियर है बा? ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चार प्रोसेस होते हैं कार्नोट थ्योरम में। पहला क्या होता है कि ये सिस्टम जिसको हीट दी जाती है, QH अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है, सबसे पहले ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है गैस मॉलिक्यूल का। तो इसमें क्या होता है, आप एक बार पहले ग्राफ को समझ लो फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है गैस का। ठीक है, ये जब हम QH अमाउंट ऑफ हीट देते हैं इसको, तो ये बी पे पहुंचता है, फिर बी के बाद इसका एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अगेन जो है ये ग्राफ सी पे पहुंचता है, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। ठीक है, फिर ये एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है, ये पूरा एक साइकिल होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन से हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर देन हम आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन एडियाबेटिक कंप्रेशन, तो ये कंप्लीट साइकिल बनती है, एक कार्नोट साइकिल इसको बोलते हैं। तो ये आइडियल गैस के लिए है। तो चलिए हमें यहाँ पर इस इंजन की इफिशियंसी निकालनी है, कि ये हम इसको जैसे QH अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, तो इस अमाउंट का कितना ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कितना ये सिंक को एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इफिशियंसी हो गया मतलब हम कितना हमें आउटपुट मिल रहा है और कितना हम इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्क डन चारों प्रोसेस का कैलकुलेट करना होगा। तो हम ए टू बी चलते हैं,
ए टू बी क्या है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो अब आप जानते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन है तो ये यू जो है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये जीरो हो गया, तो क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और डब्ल्यू बराबर हमें पता है क्या होता है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ये होता है डब्ल्यू। ठीक है, तो हमने क्यू बराबर सिंपली रख दिया माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू आप करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, देन बीसी प्रोसेस में आ जाइए। बीसी क्या है, यहाँ से देखिए एडियाबेटिक एक्सपेंशन है ये। एडियाबेटिक एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है सिस्टम में, हीट जीरो है और ये सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है। तो आप जानते हो कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल होगा। हाँ, तो आप देखो यहाँ पर अब क्यू जीरो हो गया, तो डी यू इज इक्वल टू डायरेक्ट डब्ल्यू टू हो जाएगा। और एडियाबेटिक में क्या होता है कि वर्क डन होता है एन मोल के लिए एन सी वी, और जो हाई टेम्परेचर मतलब है, मतलब टी टू माइनस टी वन, मतलब लो टेम्परेचर मतलब जो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पर डी यू क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू टू, और ये हो जाएगा लोअर टेम्परेचर आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, टी सी है ये टेम्परेचर टी सी है, ये टी एच है। ठीक है, तो ये टी टू माइनस टी वन। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद सी डी, सी डी क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वही फिर से यू जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू बराबर क्या होगा, देखो आप ये प्रोसेस चल रहे हो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, तो ये पी थ्री वी थ्री है और ये पी फोर वी फोर है। ठीक है, तो कैसे करोगे अब आप, देखिए फाइनल वॉल्यूम है वी फोर, इनिशियल वॉल्यूम है वी थ्री। ठीक, तो कंप्रेशन है, कंप्रेशन के केस में क्या होगा, माइनस एन आर टी एल एन, एक्सपेंशन में होता है वी टू बाई वी वन, लेकिन कंप्रेशन में होता है वी वन बाई वी टू। तो वी वन क्या है, वी वन क्या है, कम है। ठीक है, और वी टू आपका ज़्यादा है, तो यहाँ पर वी वन कम होगा, तो वी फोर यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है, क्लियर है, वी फोर वॉल्यूम कम है और वी थ्री क्या है, ज़्यादा है वॉल्यूम, देख लो। तो यहाँ पर वी फोर बाई वी थ्री हो जाएगा, क्लियर है, तो ये डब्ल्यू थ्री हो गया। देन उसके बाद एडियाबेटिक कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा कि ये क्यू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यू जो होगा वो डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो फिर से हमें देखना होगा कि फाइनल टेम्परेचर क्या है इस समय, अब यहाँ पर क्या होगा, टी एच होगा फाइनल टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो ये टी सी था और टी सी से टी एच है, तो टी एच माइनस टी सी हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब टोटल वर्क डन अगर हम निकालें सिस्टम का क्या होगा, सबका सम होगा, क्लियर है। अच्छा, कहीं भी डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। चलो देखो W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर टी एच वी टू बाई वी वन माइनस आर टी सी एल एन वी फोर बाई वी थ्री। ठीक है, क्योंकि अब देखो W टू और W फोर ये दोनों अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पे देख लीजिए आप, एन सी वी टी सी माइनस टी सी माइनस टी एच, जबकि वो आया था एन सी वी टी एच माइनस टी सी। ठीक है, टी एच माइनस टी सी, तो वो कैंसिल हो गया एक दूसरे से। उसके बाद तो टोटल वर्क मिल गया मुझे ये इक्वेशन नंबर सिक्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम पॉइजन इक्वेशन लगाएंगे, जो ये स्टेज सेकेंड हो रहा है, सेकेंड स्टेज, और यहाँ जो फोर्थ स्टेज, मतलब एडियाबेटिक एक्सपेंशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन, क्लियर है। तो आप देखो यहाँ से है टी एच है टेम्परेचर और यहाँ पे क्या है, टी सी है टेम्परेचर। ठीक है, तो आप टी एच से स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, तो टी एच पे वॉल्यूम कितना है, वी टू है, तो टी एच वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी सी वी थ्री टू द पावर गामा माइनस वन, क्लियर है। तो टी एच बाई टी सी इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ से निकालेंगे, टी सी वी फोर टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी एच भी वन टू दी पावर गामा माइनस वन। तो यहाँ से हम टी एच बाई टी सी निकाल लिए, तो ये वी फोर बाई वी वन आ गया। तो दोनों को इक्वेट कर दिए, तो हमको फाइनली मिल गया
v4 फोर बाई वी थ्री इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, और इसको हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिया है, तो देन हमको फाइनल इक्वेशन जो है ये मिला। देखो ये मिल गया हमको माइनस आर टी सी एल एन वी वन बाई वी टू। तो अब यहाँ पर आप निगेटिव साइन को फिर से पॉजिटिव कर सकते हो, तो ये वी टू बाई वी वन लिख लोगे आप इसको, तो ये लिख दिया और फिर उसको कॉमन ले लिया, तो आर एल एन वी टू बाई वी वन को मैंने बाहर ले लिया और टी सी माइनस टी एच आपका एस एच है। तो ये W आपको मिल गया माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन इजक्वल टू टी एच माइनस टी सी। तो अब देखो क्यू एच कितना है, क्यू एच जो पहले हीट दिया था वो माइनस W1 था, तो आर टी एच एल एन वी टू बाई वी वन हो जाएगा। अब इफिशियंसी की बात आती है, तो इफिशियंसी क्या होता है, वर्क डन बाई द सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब बाई द सिस्टम, कितना हीट, तो हीट एब्जॉर्ब जो हुआ वो क्यू एच हुआ, लेकिन वर्क डन जो बाय द सिस्टम किया गया मतलब माइनस डब्लू लेना है, ठीक है। तो डब्लू बराबर हमारा क्या आया, ऑलरेडी ये आ गया है, ठीक है, माइनस आर एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है, ये आया है, तो ये माइनस इधर ले लो आप, तो माइनस डब्लू इज इक्वल टू हो जाएगा आर एल एन वी टू बाई वी वन टी एच माइनस टी सी। तो आप सिंपली इसको रख दोगे यहाँ, तो इफिशियंसी आपको क्या मिल जाएगी, टी एच माइनस टी सी डिवाइडेड बाई टी एच। और आप देखो तो इफिशियंसी सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सिस्टम को क्यू एच अमाउंट ऑफ हीट हमने दे दिया है, ठीक है, और इसने क्यू सी अमाउंट ऑफ हीट सिंक को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, क्यू एच माइनस क्यू सी, यही बचा ना, ठीक है, तो क्यू एच माइनस क्यू सी और डिवाइडेड बाई कितना दिया था क्यू एच, यही होगा, क्लियर है। तो इफिशियंसी ईटा बराबर क्या हो जाएगा, टी सी अपॉन में टी एच इजल टू क्यू सी अपॉन में क्यू एच, क्लियर है। तो ये एक रिलेशन होता है इफिशियंसी का, हाँ बिल्कुल क्लियर रखना। चलो उसके बाद हम क्या है कि टी एस डायग्राम भी हम जैसे मतलब अभी एक साइकिल कंप्लीट किया ना हमने, तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए भी साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने लिया टी एस डायग्राम। टी एस डायग्राम में क्या होता है कि यहाँ पर टी आप इधर भेज दोगे तो t ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो डी एस इजल टू डी क्यू होगा। तो आप देखो t और s के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले क्या होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, मतलब उसका टेम्परेचर जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस केस में आपकी जो एंट्रोपी होगी वो कुछ मिलेगी आपको, ठीक है। तो सपोज ये s1 है एंट्रोपी चेंज, तो ये क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ हीट उसने दिया था, जैसे QH अमाउंट ऑफ हीट दिया तो हीट हो गया क्यू एच, और जो उसका टेम्परेचर हो गया टी एच, टेम्परेचर पे उसने दिया था तो ये टी एच हो गया, क्लियर है। देन उसके बाद ये ए से बी गया था, ए से बी प्रोसेस का था, ठीक है, फर्स्ट वाला, हाँ। उसके बाद बी से सी जाएंगे, बी से सी वाले में क्या होगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा बी से सी, हाँ। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा कि क्यू जीरो होगा, तो डी एस क्या हो जाएगा, एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए पूरा। उसके बाद सी टू डी जाएंगे हम, सी टू डी में क्या होगा कि अब हम हीट सिंक को दे रहे हैं, कितना, क्यू सी अमाउंट ऑफ सिंक को दे रहे हैं, तो यहाँ पर हीट सिस्टम के द्वारा दिया जा रहा है, तो कितना दिया जा रहा है, माइनस क्यू सी, क्यू सी दिया जा रहा है, तो ये निगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि सिस्टम के द्वारा दे रहे हैं, तो टी सी हो जाएगा। तो ये एंट्रोपी चेंज होगा थर्ड वाले मतलब सी डी वाले प्रोसेस में। ऐसे जब डी ए में जाओगे आप, फिर से क्या होगा कि एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, तो मतलब वहाँ क्यू जीरो होगा, डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो एस फोर बराबर जीरो हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे ही आप एच या फिर यू का जो है फंक्शन प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि आइडियल गैस में जो होता है इंटरनल एनर्जी या इंथैल्पी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप सिंपल एच इज प्रोपोर्शनल टू टू, तो एच इज इक्वल टू, आप वैसे भी जानते हो कि डी एच इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी डी टी होता है ना, तो वही याद रखो आप, ठीक है, डी एच इजक्वल टू सी पी डी टी होता है। तो आप यहाँ से देखो कि ये वाई इजक्वल टू एम एक्स टाइप का ग्राफ मिल रहा है, तो इसी टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा, मतलब लीनियरली प्रोपोर्शनलिटी होगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक। तो अगर आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करोगे तो क्या होगा कि मैंने बोला डी एच इजक्वल टू सी पी डी टी, ठीक है, तो आप अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये जीरो हो जाएगा, तो मतलब एच क्या होगा, कांस्टेंट होगा इसका मतलब, तो ये एक पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पर, हाँ, तो एक पॉइंट मिल गया। फिर क्या होगा कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में
कि आपका अब ये प्रोसेस मतलब टेम्परेचर फॉल होगा, कि उसका टेम्परेचर जो है घटेगा। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है, तो ये प्रोसेस यहाँ से सपोज यहाँ तक आ गया, हाँ यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये सेकेंड प्रोसेस होगा, डिक्रीज होगा टेम्परेचर में। जबकि जो थर्ड प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा इसका मतलब क्या होगा कि उसका इंथैल्पी जो है कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो जो वो कांस्टेंट मिलेगा हमको, ठीक। उसके बाद हम फिर से एडियाबेटिक कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर से ये ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो पहला जो है ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन ये प्रोसेस यहाँ तक आया एडियाबेटिक एक्सपेंशन, देन फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिला वो होगा हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन ये फिर प्रोसेस यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये हुआ हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्लियर है? चलो अगला। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि जो वहाँ पर क्या था कि हम QH अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को दे रहे थे और सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा था, और इसके बाद जो हीट बच रही थी कि उसी अमाउंट ये सिंक को ट्रांसफ़र कर रहे थे। लेकिन अब ये रिवर्स प्रोसेस होगा, मतलब QC अमाउंट ऑफ हीट सिंक से लेंगे और कुछ वर्क किया जाएगा सिस्टम पर बाहर से, देन ये रिलीज करेगा अमाउंट जो है वो हॉट बॉडी को। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक वर्क इज डन ऑन द जो हमारे हाउस में होता है वो रेफ्रिजरेटर, उसका है ये कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क सिस्टम के पे होता है, वो ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो वहाँ हमारा जो सराउंडिंग है वो हॉट है और जो फ्रीजर है वो कोल्ड है, ठीक। तो आप क्लियर है आपको? ये हो गया कोल्ड TC, यहाँ से हमने QC अमाउंट दिया इसको रेफ्रिजरेटर को, और इसने QH अमाउंट हॉट को ट्रांसफ़र किया, और देन इस पर कुछ काम हुआ W, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो कि ये क्या होगा, दो चीज़ें हैं ना, QC अमाउंट और W, ये दोनों रेफ्रिजरेटर को दिया जा रहा है, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर को दे रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर कितना दे रहा है इनर हीट, वो QH दे रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर ये क्या होता है, ये होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है ये कोल्ड बॉडी से कितना हीट ले रहा है और कितना वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका रेशियो होता है। तो QC अपॉन W, ठीक है, तो W यहाँ से आप निकाल लोगे, QH माइनस QC, ठीक है, और QC हमें पता ही है, ठीक है, तो TC अपॉन में TH माइनस TC हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ, तो इसको बोलते हैं हम बीटा, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस को बीटा बोलते हैं। तो 1/ईटा जो है ये क्या होता है, ये होगा TH अपॉन में TH माइनस TC, और बीटा जो है ये क्या है, TC अपॉन में TH माइनस TC। तो बीटा में +1 इधर ऐड कर दो और +1 इधर ऐड कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है? देन उसके बाद ये इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू ये मिल जाएगा, ठीक है, TH अपॉन में TH माइनस TC, और ये 1/ईटा के बराबर है, तो बीटा +1 इज इक्वल टू हो गया 1/ईटा, तो बीटा इज इक्वल टू 1 - ईटा डिवाइडेड बाई ईटा। तो ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी और प्लस सॉरी कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस प्लस जो आपका कार्नोट इंजन है उसकी इफिशियंसी में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसके बाद मैं सबसे मज़ेदार चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, कि देखिए बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि आपका डेल्टा जी का या फिर डेल्टा एच का या फिर डेल्टा यू या फिर डेल्टा एफ में कैसे हम एक रिलेशन को लिखें, ठीक है, मतलब उनको याद करने में मेमोराइजिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के हेल्प से आप जो है मैक्सवेल रिलेशन को लिख सकते हो, और ये ट्रिक से आप जो है इनको सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हो। कैसे रखना याद, बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्लियर करके। देखो पहले जी फॉर क्या है, गुड, ठीक है, पी फॉर फिजिस्ट, तो गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड
अंडर वेरी फाइन टीचर, ठीक है। और ये जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको जाना है, ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से जा रहे हो, ठीक है। गुड फिजिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर, कंप्लीट हो गया। अब देखो, सपोज आप डी जी के लिए लिख रहे हो, आप जी के लिए लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या क्या हो रही हैं मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखो, जी के लिए लिख रहे हो तो एक पी चेंज हो रहा है, एक टी चेंज हो रहा है। तो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जी इक्वल टू लिखा है मैंने वी डी पी माइनस एस डी टी। तो सबसे पहले आप देखो पी में चेंज होगा फिर टी में चेंज होगा, तो आप लिखो डी पी। और आप देखो कोऑर्डिनेट देखना है, जहाँ जिस पॉइंट पे हो वहाँ से आपको कोऑर्डिनेट देखना है। तो कोऑर्डिनेट में मतलब क्या होगा, जैसे आप जी को यहाँ रख दो, ठीक है, जी को यहाँ रख दो, तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, अगर ये आप इधर जा रहे हो तब भी पॉजिटिव होगा, अगर आप लेफ्ट जा रहे हो तो निगेटिव होगा, अगर आप नीचे जा रहे हो तो निगेटिव होगा, क्लियर है। लेफ्ट जा रहे हो उधर निगेटिव, इधर जाओगे निगेटिव, इधर जाओगे पॉजिटिव, इधर ऊपर जाओगे पॉजिटिव, इतनी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपको चेंज किस में हुआ, पी में और टी में, तो मैंने वहाँ पर लिख दिया डी पी और डी टी पहले, ठीक। अब पी के साथ हमेशा भी आता है और टी के साथ हमेशा एस आता है, ये आपको याद रखना है बस। तो यहाँ पे आपने लिख दिया वी डी पी और एस डी टी। अब देखो ये माइनस कैसे आया, चूँकि आप जी के नीचे जा रहे हो, नीचे वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, तो माइनस एस डी टी। और अगर आप राइट जाते, राइट गए हो, तो राइट में क्या है, यहाँ पर तो कोई आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, क्लियर है। चलो एक और बता देता हूँ, ऐसे आप मान लो डी एच के लिए लिख रहे हो, डी एच के लिए लिख रहे हो ना, तो डी एच में क्या है, आप देखो एक तो आप लिखोगे पी तो डी पी लिख लो, और एक लिखोगे एस तो उसको डी एस लिख लो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें भी ऊपर जा रहे हो आप, इसमें भी इधर जा रहे हो, मतलब दोनों ही आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मूव कर रहे हो, इधर भी और इधर भी, मतलब दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन में कहीं भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक। और डी पी के साथ हमेशा भी आएगा और डी एस के साथ हमेशा टी आएगा, मतलब एस डी टी भी डी पी, ये आपको याद रखना है, क्लियर हो गया एकदम। अच्छा एक और देख लो आप, जैसे डी यू है तो डी यू के केस में क्या होगा, यहाँ पर S है यहाँ पे V है, तो डी यू आपने यहाँ लिख दिया, अब देखो डी एस होगा चेंज और फिर उसके बाद डी वी होगा चेंज, क्लियर है। डी एस चेंज हुआ फिर डी वी हुआ, अब देखो V की तरफ आप निगेटिव जा रहे हो जबकि S की तरफ आप पॉजिटिव जा रहे हो, तो S वाले में पॉजिटिव हो गया लेकिन V वाले में निगेटिव हो गया, क्लियर है। ऐसे ही F वाला देख लो, तो F वाले में दोनों तरफ निगेटिव जा रहे हो, इधर भी और इधर भी, तो वहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ निगेटिव होगा। और देखो डी वी होगा और डी टी होगा, तो डी वी और डी टी लिख दिया, उसके साथ पी लिख दिया, उसके साथ एस लिख दिया, क्लियर है बस। अब ये अगर आपको चार इक्वेशन मिल गए तो इसके बाद आपको मैक्सवेल रिलेशन लिखना मतलब आपके बाएं हाथ का काम है। चलो देखो कैसे, पहला इक्वेशन आपने लिख लिया ये वी डी पी माइनस एस डी टी। अब आपको मैंने बताया था कि एग्जैक्टनेस की क्राइटेरिया क्या होती है, कि यहाँ पर जो ये सपोज है डी जेड इजक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, क्राइटेरिया याद करो आप, ठीक है। तो इसमें क्या है कि m को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसे ही आपको v को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t एट कॉन्स्टेंट p एंड s को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू p एट कॉन्स्टेंट t, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एग्जैक्टनेस का क्राइटेरिया याद करके आपको लगा देना है। सेकंड इक्वेशन देख लो, कभी कभी क्या हो रहा है कि आजकल जैसे गेट में वो लोग बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन दे दिया, अब इसके लिए बोला उन्होंने कि मैक्सवेल रिलेशन लिखो, तो आप तो लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको मतलब पता ही नहीं कि बेसिक कहाँ से कैसे निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपल ये देखो कि यहाँ पे वी है तो वी का डिफ्रेंशिएशन एस के साथ, तो वी डी एस एट कॉन्स्टेंट पी रखो और टी का डिफ्रेंशिएशन पी के साथ एट कॉन्स्टेंट एस, क्लियर है, एक मिनट में आ जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखो डी यू के केस में आप निकाल सकते हो, तो यहाँ पर टी को डिफ्रेंशिएट कर दो वी के रिस्पेक्ट में और पी को कर दो
एच एस के रिस्पेक्ट में, और निगेटिव साइन जो जैसे है उसको वैसे रख दो। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आप, माइनस है पी और माइनस है एस, तो माइनस पी के साथ डिफरेंशिएट करोगे टी का, मतलब माइनस डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल टू माइनस डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। क्लियर है? बस ये आपको समझ में आना चाहिए था। चलो उसके बाद आते हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, हम जानते हैं कि बहुत बेसिक फार्मूला जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। अब देखो यहाँ पे मैंने साइन लगाया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो जब ये ग्रेटर देन होता है ना तो ये इ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, और जब इक्वल टू होता है ग्रेटर देन इक्वल टू तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। तो ये आप याद रखना। तो यहाँ पर हम दोनों प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, आइदर रिवर्सिबल या इ रिवर्सिबल। ठीक है? तो आप चलो देखो, पहला क्या है कि डी एस इजल टू डी क्यू बाई टी है। हाँ, तो अब आपको एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो क्यू बी है, तो क्यू बी मतलब क्या होगा, ये डी यू के इक्वल होगा। ठीक है? तो आप क्यू की जगह यू लिख सकते हो, तो डी यू बाई टी, तो डी एस माइनस डी यू बाई टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो टी डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी यू। अब देखो टेम्परेचर कभी भी 0 से तो कम होगा नहीं, चाहे मतलब एस कॉन्स्टेंट हो आपका या तो फिर यू कॉन्स्टेंट हो, तो टेम्परेचर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप देखो कि अगर ये सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी पे हो तो उसका जो डी एस होगा उस केस में वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है? तो एंट्रॉपी के लिए क्या लिखोगे आप, यू एंड वी। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? तो यू कांस्टेंट वी कांस्टेंट, तो उस केस में एंट्रॉपी की जो स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? जबकि इंटरनल एनर्जी को आप जब देखोगे एट कांस्टेंट एंट्रॉपी एंड वॉल्यूम तो वो लेस देन 0 होगा। क्लियर है? तो देखो जब एंट्रॉपी को कांस्टेंट करोगे आप तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है? तो ये पार्ट 0 हो गया, तो अब डी यू लेस देन 0 है। ठीक है? क्लियर है? चलो उसके बाद एट कांस्टेंट प्रेशर देखो आप, तो डी एस इज इक्वल टू डी एच बाई टी है, तो टी डी एस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डी एच है। तो आप यहाँ पे देखो कि डी एस, अब देखो एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है ये क्यू पी होती है। क्लियर है? तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अगर इंथैल्पी को भी कांस्टेंट कर दें तो डी एस क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक? तो इंट्रॉपी के स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया ये है कि अगर एट कांस्टेंट इंथैल्पी पे हो रहा है प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तभी जो है स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक? जबकि अगर एच के लिए आप चेक करोगे तो उसकी एट कांस्टेंट एंट्रॉपी एंड कांस्टेंट प्रेशर पे तो वो लेस देन 0 होगा। ठीक? कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? इंट्रॉपी अगर आपने कांस्टेंट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो डी एच ऑलवेज लेस देन 0 दिखा रहा है ऑलरेडी साइन, तो लेस देन 0 होगा ये। उसके बाद आप आ जाओ हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन ए, या इसको एफ भी बोलते हैं। ठीक है? तो ए इजक्वल टू यू माइनस टी एस होता है, तो डी ए इजक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस होता है। ठीक है? अब हमने पहले इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि टी डी एस माइनस डी यू, यही था ना, माइनस डी यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, एक मिनट देख लेता हूँ, तो ये था आपका, सॉरी, हाँ डी एस, टी डी एस माइनस डी यू इज ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आप देखो यही लगाओगे तो यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन ले लो इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, तो टी डी एस माइनस डी यू ये लेस देन 0 होगा। और आपको ए की वैल्यू जो मैंने अभी बताया कि कैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो, तो वहाँ से आप सिंपली निकाल सकते हो माइनस पी डी भी माइनस एस डी टी लेस देन 0। ठीक? तो अगर ये क्वांटिटी लेस देन 0 है तो यहाँ पे देखो क्या वेरिएबल है, दो ही वेरिएबल है, एक वॉल्यूम दूसरा टेम्परेचर। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट कर दो तो डी ए शुड बी लेस देन 0 फॉर द स्पॉन्टेनियस। क्लियर? क्लियर है? चलो ऐसे ही
यहाँ पर देखो जी इजक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, गिव्स फ्री एनर्जी, तो डी जी इजक्वल टू होता है डी एच माइनस टी डी एस, और ये होगा लेस देन जीरो क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। हाँ, फिर अब डी जी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला वहाँ से रिलेशन से, तो वी डी पी माइनस एस डी टी आया था। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट कर रहे हो, टेम्परेचर पे कांस्टेंट कर रहे हो, तो उसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इसको आप रिवाइज करिए, अगर ये आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछिए कि आपको कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी डिस्कस कर सकते हो मुझसे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।